चंडीगढ़ अभी लैंड हुआ हूँ। चंडीगढ़ ये मेरे पीछे चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। अब मेरे को जाना है धर्मशाला। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, एक दिन लेट पहुंच रहा हूँ मैच के लिए। मैच में ऑलरेडी रोहित शर्मा धो चुके हैं, कुलदीप पंजा खोल चुके हैं, अश्विन ने भी विकेट चटकाई है। पर आज का जो मेरा रिव्यू है, अक्स करेगा। ये अक्स कौन है आपकी? अगर अक्स से मुलाकात कराता हूँ, जरा अक्स अब आपका रिव्यू भी करेगा। मेरी तो गाड़ी आगे देख लो भाई, आई हैव टू गो। 6 घंटे की मेरी जर्नी है, मैं पूरा तो रिव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। पर अक्स अपना बंदा है, देखो जरा कैसा लगा बताना जरा। इसके बाद ओवर टू यू अक्स, पूरे मैच का कहानी अब आप बताएंगे। बताओ। भारतीय टीम ने आखिरी टेस्ट मैच के लिए 2 बदलावों का फैसला किया। देवदत्त पाटीकल को डेब्यू कैप थमाई गई। रजत पाटीदार को ये बताया गया है कि शायद कुछ चोट लगी कल शाम को, इस वजह से आज मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। और दूसरा बदलाव वो तो खैर होना ही था, आकाशदीप बाहर गए, जसप्रीत बुमराह 11 में आते हैं। इंग्लैंड ने अपनी टीम पहले अनाउंस करके रखी थी, मार्क वुड आ चुके हैं और वो आए हैं ओली रॉबिन्सन की जगह। जिमी एंडरसन इज जस्ट 2 विकेट्स अवे फ्रॉम द 700 मार्क, तो वो शायद अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या बिल्कुल भारतीय सरजमीन पे अपना आखिरी मैच। टॉस जीत लिया, बैटिंग का फैसला कर लिया, दैट इज अ फेमिलियर स्टोरी। और अच्छी शुरुआत भी की। अब बेन डकेट और जैक क्रॉली शुरुआत अच्छी ही करते हैं, ये बात तो पक्की है, पर उसके बाद जो हुआ उसने सारी चीजें बदल दी। थोड़ा सा दिल टूटा कि बुमराह ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की पर ही वेंट विकेटलेस। पर एनीहाउ, पहले तो बेन डकेट आउट हो जाते हैं। अब वो शॉट क्या मार रहे थे गॉड ओनली नोज, क्योंकि अगर आप हाथ से गेंद को नहीं पड़ेंगे तो फिर आप स्ट्रगल करते नजर आएंगे। बड़ा फैंटास्टिक कैच पर शुभमन गिल, पीछे भागते हैं, अच्छा सा कैच पकड़ते हैं। उसके बाद ओली पोप, भाई साहब नो होप, क्योंकि आपने जो एक बार हैदराबाद में बैटिंग की थी उसके बाद तो आपको समझ में नहीं आया कि गेंद कहां जा रही है। आधे रास्ते में आप खड़े थे, ध्रुव जुरेल ने कहा भी था ये भागेगा आगे की तरफ। आप ऐसा लगा कि हाथ मिलाने गए हैं कुलदीप यादव से, आपको आधे रास्ते में खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद जब जैक क्रॉली आउट होते हैं, एक्चुअली दैट बॉल स्पन अ माइल, आई थिंक 10.4 डिग्रीज। मजिशियन है अपना कुलदीप यादव, इसी मैदान पे उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। आई थिंक जहां से शुरुआत की थी उसको दोबारा रिलिव किया है, पंजा खोला भाई ने। और मजेदार बात यह है कि उसके बाद जो रूट, देन बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, जॉनी बेस्टो का 100वां मैच, ये तीनों आउट तो होते हैं साथ साथ अपने एक एक रिव्यू भी ले जाते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो इंग्लैंड के कप्तान हो या इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, इनको रिव्यू का अता पता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पीछे खड़े होते हैं, पैड बजा के बॉल लगती है, उसको ये रिव्यू ले लेते हैं। भाई साहब कप्तान थे जॉनी बेस्टो के, बाहरी किनारा लगता है, थिंक अबाउट इट, कॉट बिहाइंड का उन्होंने रिव्यू लिया, वो भी पकड़े गए। तो ये देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, चोरी पकड़ी जाती है यहाँ पे। पर एक समय पे लग रहा था कि ये टीम वाह 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 क्या बात है, 350, 400, 500 भी बना सकती है, लेकिन 500 कहाँ, ये टीम आजकल कुछ नहीं बनाती, ये एक दिन पूरा नहीं खेल पाती। इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रही है उनके फैंस के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस पे भी अगर आप अच्छे से नहीं खेल पाते हैं तो फिर बैस बॉल के मखौटे के पीछे अपनी कमियों को मत छुपाइए। ऑनेस्टली आई फील कि इस समय तो ऐसा लग रहा है कि हमसे खेला नहीं जाता तो हम बात करेंगे, देखिए बैस बॉल है, देखिए हम तो ऐसे खेलते हैं, देखिए यहाँ पे हमें कोई चांस नहीं दे रहा था, टॉस जीते हैं, पिच सपाट है, उसके बाद आपके ये हाल है भाई, बड़े बेहाल है। अब इससे पहले कि मैं इंडिया की बात करूं, मैं आपको जरा एक दिल्ली क्या यूपीए खिलाफ 45 या 45 ज्यादा बनाएगी इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, WPL चल रही है राइट। और दूसरा मतलब जड्डू क्या बना देगा 25 या 25 से ज्यादा, यू नो व्हाट, दोनों सवालों का जवाब मेरा तो सही है। मैं कह रहा हूं बनाएगी, दिल्ली भी बनाएगी, जड्डू भी बनाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूं, आई थिंक अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मैं अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल प्रोवो पे करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। और क्योंकि मैं क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग रखने की मतलब क्लेम करता हूँ, तो मैं क्रिकेट पे अपने सवाल देखता हूँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने कैटेगरीज चूज कर सकते हैं ओनली ऑन प्रोवो। प्रोवो एक ऐसा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी अच्छे से चूज कीजिए, ऑलवेज इन्वेस्ट वाइजली एंड प्ले सेंसिबली। और एक और चीज बताता हूँ आपको, अनलिमिटेड विड्रॉ अवेलेबल है, गूगल पे, पेटीएम, UPI के जरिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। और मेरे दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे, अगर आप मेरे दिए गए लिंक से जो नीचे है डिस्क्रिप्शन में उससे जाएंगे, तो अप टू ₹25 भी मिल सकते हैं। करोड़ों लोग ऑलरेडी प्रोवो पे खेल चुके हैं, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोवो करो। हाँ जी, इसके बाद इंडिया की रनचेज की बारी आती है जिसके अंदर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। अब ये एक बड़ी मजेदार सी जोड़ी बन चुकी है ऑलरेडी। ये सवाल जरूर रहता होगा कि यार कैसी रहेगी नई जोड़ी है, एक लेफ्टी एक राइटी, एक का सूर्य उदय हो रहा है और रोहित शर्मा द वेटरन। पर बहुत बढ़िया ये साझेदारी रही है, इसमें शुरुआत जरूर करते हैं रोहित शर्मा एज एन अग्रेसर, बढ़िया शॉट लगाते हैं, इनफैक्ट रोहित वॉज बैटिंग रियली वेल। पर यशस्वी कहाँ पीछे रहने वाले हैं,
भाई एक छक्का नहीं मारता, तीन तीन मारता है। शोएब बशीर के एक ओवर के तीन गेंदों पे तीन छक्के मारे भाई ने, सामने कवर्स के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 50 पे अनफॉर्चुनेटली बेचारे आउट जरूर हो जाते हैं, पर अभी भी रोहित शर्मा तो मौजूद है और रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बड़े कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, साथ में शुभमन गिल आ चुके हैं। आई विल टेल यू व्हाट, ये एक ऐसा मैच रहने वाला है इन माय ओपिनियन जिसमें पहली बार भारतीय बल्लेबाजी जो है दे विल बैट आउट द ऑपोजिशन आउट ऑफ द टेस्ट, मतलब खत्म, छुट्टी। अभी तक हमने क्या किया, हमने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, मतलब हमारी टीम अच्छी रहती है पर हमारे प्रदर्शन बल्ले के साथ उतने अच्छे नहीं रहे हैं और इस वजह से मैचेस थोड़े से लगा कि क्लोजली कंपेटिटिव हैं। पर इस वाले मैच में देखिए दो शतक तो कम से कम बनेंगे, एक हो सकता है रोहित शर्मा बनाए, दूसरा हो सकता है शुभमन गिल बनाए, डेब्यूटान देवदत्त पाडिकल कुछ बनाए, यहाँ रन बनने वाले हैं, बहुत रन बनने वाले हैं। और भारतीय टीम अभी तो थोड़ा सा पीछे है क्योंकि पहले ही दिन का खेल हुआ है भाई, हालांकि डेफिसिट काफी कम ऑलरेडी कर दिया है। मुझे लगता है कि जब ये दूसरे दिन का खेल होगा तो इंग्लैंड के बोर्डिंग पास ऑलरेडी छप चुके हैं, मतलब ऐसा प्रतीत होना शुरू हो जाएगा कि ये सिर्फ फिजिकली यहाँ पे फिजिकली और मेंटली ऑलरेडी टीम जो है ये इंग्लैंड पहुंच चुकी है। मेरे विचार में तो भारतीय टीम इस मुकाबले को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी। रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा शतक आ सकता है यहाँ पर, शुरुआत का आधा पौना घंटा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब धर्मशाला में बॉल स्विंग होती है, मूव होती है और ऐसे में यू वांट टू बी अ लिटिल सेफ, पर उतना धार धार लग नहीं रही है गेंदबाजी और ना ही इंग्लैंड के हौसले। वैसे टू बी ऑनेस्ट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, स्वेयर टू गॉड कैसा प्रदर्शन रहा है आपका, थोड़ी सी ना सोल सर्चिंग की जरूरत है, थोड़ा सा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बातें अच्छी अच्छी करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, पर ऊंची दुकान फीका पकवान, दैट हैज बीन देयर स्टोरी दस फार। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, कल मैं आपको मिलूंगा सीधा धर्मशाला के मैदान से क्योंकि अपन पहुंच गया, अब बहुत लंबी जर्नी यहां से मैंने तय करनी है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा और बताइएगा कि आकाश का काम आज अक्स ने किया है, मतलब मैंने किया, मतलब आकाश ने किया नहीं अक्स ने किया, आपको लगा कैसा, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। और कल फिर मिलेंगे, कल फिर गप्पे मारेंगे, अभी के लिए इतना ही है, लव यू ऑल।